जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वायरलेस डीएमएक्स कैसे हम चला सकते हैं। इस स्लाइड में हम बिना वायर से हम मिक्सर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले इसमें वायरलेस डीएमएक्स के लिए लगाया हुआ है दोनों एलईडी पावर लाइट में, इसमें भी मैंने लगाया हुआ है और अब मैं इसको ऑपरेट करने जा रहा हूँ। जैसे कि ये मेरा मिक्सर है, ठीक है, तो इसमें मैंने कोई भी यहाँ पर वायर लगाया हुआ नहीं है और मैंने मिक्सर के अंदर ऐसी पीसीबी जो वायरलेस डीएमएक्स में लगाई जाती है वो पीसीबी मैंने पहले से ही अंदर लगा दी है, ठीक है। तो हम इसे ऑपरेट करके मैं बताता हूँ और आप भी देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई के अलावा और कुछ भी वायर लगाए नहीं है, आप देख लीजिए यहाँ पर। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखिए, और ये हमारा डीएमएक्स। अब मैं इसको कंट्रोल करता हूँ, ये मास्टर है, रेड, ये ग्रीन, ये ब्लू, ये वाइट, ये स्ट्रॉब। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ वायर से कनेक्ट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा वायर अटैच नहीं हो पा रहा अंदर, और कई बार ऐसा होता है कि वायर खींच गया होता है तो लाइट हमारी बंद हो जाती है। लेकिन ये वायरलेस में ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगर हम इसकी वायरलेस की रेंज हम देखें तो इसकी 400 मीटर की रेंज कंपनी ने बताई है और 1200 फीट अंदाज। तो कई बार ऐसा हो कि ज़्यादा बड़ा लंबा ग्राउंड हो और इसमें चार टावर हमें बनाने हैं एलईडी के ऐसे, तो चारों टावर में हम एक एक रिसीवर लगा दें और फिर ये मिक्सर हम कहीं भी जगह पर हम बैठकर ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हम ऐसे रेड कलर कराए तो चारों टावर में हम रेड कलर कर सकते हैं। तो ये वायरलेस सिस्टम मैंने पहली बार यहाँ यूज़ किए, तो आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो। किसी भी वायर की झंझट नहीं है लगाने की, कोई भी बड़ा वायर लंबा करने की प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ समस्या हो तो मुझे बता दें, ठीक है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और कोई भी समस्या हो तो व्हाट्सएप में मैसेज कर दें। व्हाट्सएप में मेरा नंबर नीचे लिंक में दिया हुआ है, वहाँ पर मैसेज कर दें, ठीक है।